मायसेल्फ डॉक्टर ललित मोदी और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे रोटेटर कफ टियर यानी कंधे की मांसपेशियों के फटने का इलाज क्या है। देखिए कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो इस प्रकार से स्कैपुला ब्लेड से निकलती हुई अपनी आम बोन पे जाके इस तरीके से अटैच होती हैं। इन ग्रुप ऑफ मसल्स को ही हम बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स। कई बार ये मांसपेशियां फट जाती हैं। फटने में क्या होता है कि जो मांसपेशियां हैं अगर वो यहां से फट जाएंगी या उखड़ जाएंगी तो उस कंडीशन में जब भी हम हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो मांसपेशियां खिंच के और ज्यादा पीछे जाती जाएंगी। ये मांसपेशियां जितनी ज्यादा पीछे जाती जाएंगी उतनी हमारी तकलीफ बढ़ती जाएगी और इस टियर का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इस टियर का जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि कफ टियर जो है वो पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है। पार्शियल टियर में अगर टियर का साइज 50% से कम है तो उस कंडीशन में हम मरीज को फिजियोथेरेपी या कई बार इंजेक्शन लगा के ठीक करते हैं। पर अगर इस टियर का साइज कंप्लीट थिकनेस टियर है यानी कि अगर पूरी की पूरी मांसपेशी फट गई है उस कंडीशन में दूरबीन द्वारा एक छोटे से ऑपरेशन से इसका इलाज या रिपेयर संभव है। थैंक यू।